क्वेश्चंस गिवन है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा कुछ अन्य धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात 10,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकता करता है तो कुल धन उसने कितना लिया। अब क्वेश्चंस में जैसा कि इसने बताया 15,000 रुपये को 12% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है और कुछ अन्य धन है जो 16% की दर से लिया है और ओवरऑल 2 वर्ष बाद 10,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकता करता है तो कुल धन कितना उधार लिया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। जैसा कि बताया है 15,000 रुपये अगर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया जाता है तो यहां से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600। यानी 2 वर्ष का 15,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज बनेगा साधारण ब्याज 3600 रुपये और 2 वर्ष बाद चुकता करता है 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये में से 3600 रुपये को घटा दिया जाए तो ये बच गया आपका 6400। ये 6400 रुपये किसके लिए हैं, जो इसने 16% वार्षिक दर से लिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या निकालना है। जैसा कि अब पता है ये अमाउंट निकालनी है जो 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिए है और जिसका ब्याज 6400 रुपये चुकता किया है। तो अब आपको पता है 6400 रुपये ब्याज गुना में 100 डिवाइड बाय रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू हो जाता है मूलधन। तो यहां से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 16 से 400 और 2 से कैंसिल करेंगे 200 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो गया 20,000। अब देखा जाए तो कुल कितना धन उधार लिया था, 20,000 तो ये हो गए आपके और यहां से प्लस 15,000 ये हो गए तो टोटल अमाउंट जो इसने लिया है वो 35,000 रुपये उधार लिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में गिवन है एक व्यक्ति 25,000 रुपये 2 भागों में बांटकर अलग अलग बैंक में जमा करता है, एक से उसे 15% का ब्याज और दूसरे बैंक से उसे 18% का ब्याज मिलता है। एक वर्ष में उसे 4,050 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसने कितना धन ए में और कितना धन बी बैंक में जमा किया। जैसे कि क्वेश्चंस में बताया है इसने एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट किए, एक बैंक से उसे 15% वार्षिक ब्याज का दर मिलता है और दूसरे बैंक से उसे 18% का मिलता है और ओवरऑल एक वर्ष में उसे 4,050 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो कुल कितना धन उसने बैंक में जमा किया है। यानी दोनों बैंक में अलग अलग बताना है, एक बैंक में कितना और दूसरे बैंक में कितना डिपॉजिट किया है। जैसा कि क्वेश्चंस में बताया है तो इसको देख लेते हैं। 25,000 रुपये को डिपॉजिट करता है एक ए बैंक में और एक बी बैंक, यानी एक बैंक ये है और दूसरा बैंक ये है। फर्स्ट वाले बैंक से जो इसको मिलता है 15% के अकॉर्डिंग इसको ब्याज मिलता है और दूसरे से जो मिलता है ब्याज वो 18% के अकॉर्डिंग। अब अगर देखा जाए, मान लीजिएगा अगर इस 25,000 रुपये को टोटली 15% की दर से वो इन्वेस्ट करता तो यहां से जो ब्याज उसको प्राप्त होगा ₹3750, क्योंकि 25,000 का 15% के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा ₹3750। और अगर 25,000 रुपये को 18% से टोटल को अगर डिपॉजिट करता तो कितना हो जाता, 4500। लेकिन ना तो ब्याज उसे 3750 रुपये मिला, ना मिला उसको 4500 रुपये ब्याज के रूप में उसको मिले हैं 4000।
50। अब क्या करना है, 4050 का और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया आपका 450। और यहां से जब आप डिफरेंस निकालेंगे 3750 और 4050 का, तो डिफरेंस हो गया 300। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, यहां से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 15 से 3 और 15 से 2, यानी 3:2 में इसने इस अमाउंट को अलग अलग बैंक में कैसे, यहां से 2500 के टोटल रेशो बनाएंगे 5। अगर 25,000 रुपए को 5 भागों में डिवाइड किया जाए तो यहां से बने 5,000, यानी 5,000 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो कितना हो गया 15,000 रुपए तो इसने ए बैंक में डिपॉजिट किए हैं और 10,000 रुपए बी बैंक में डिपॉजिट किए हैं। जब आप 10,000 रुपए को 18% से डिपॉजिट करेंगे और 15,000 रुपए को 15% से डिपॉजिट करेंगे तो आपको ब्याज के रूप में 4,050 रुपए मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं, उनको दो अलग अलग भागों में बांटकर वो उधार देता है, जिसमें से एक भाग से उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर और दूसरे भाग से 4% वार्षिक ब्याज की दर से डिपॉजिट। एक साल के अंत में उसे 92 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो बताएं उसे 5% की वार्षिक दर से कितने रुपए डिपॉजिट किए थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सेम यही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। मान लीजिएगा अगर 2,000 रुपए 4% की दर से अगर आप डिपॉजिट करें तो यहां से रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 80 रुपीज। अगर इस 2,000 को 5% से डिपॉजिट करेंगे तो यहां से इंटरेस्ट बनेगा आपका 100 रुपीज। 2,000 का 4% होगा 80 और 2,000 का 5% होगा 100। अब जैसे कि क्वेश्चंस में बताया है एक वर्ष के अंत में उसे 92 रुपए प्राप्त होते, तो यहां से एलिगेशन पुट कीजिएगा। 100 और 92 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 8, और यहां से 80 और 92 का डिफरेंस निकालेंगे तो 12। अब यहां से इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, 4:2 और 4:3, यानी उसने जो अमाउंट डिपॉजिट की 2:3 में, अब इस 2000 को 2:3 में डिवाइड, 2000 को जब 2:3 में डिवाइड करेंगे यानी टोटल कितना होगा 3+2 5। अब यहां जो डिपॉजिट किया उसने 2:3 डिपॉजिट किया, तो जब आप उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800, यानी 800 रुपए को तो किया है 4% पे इन्वेस्ट और रिमेनिंग जो है आपका 1200, या फिर सेम यही बनेगा यहां से भी आपका 2000 × 3/5 करेंगे तो यहां से 400 पे कैंसिल, तो यहां से कितना हो गया 1200। तो यानी 5% से उसने जो डिपॉजिट किया है वो अमाउंट है आपकी 1200 रुपए, और जो 4% से डिपॉजिट किया है वो अमाउंट है आपकी 800 रुपए। तो इस तरह से जब वो इसको डिवाइड करके अलग अलग बैंक में डिपॉजिट करेगा, यानी 4% पे मिलेंगे उसको 800 रुपए डिपॉजिट करने और 1200 रुपए तो 5% से, तो ओवरऑल उसे ब्याज एक वर्ष के अंत में 90।